हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये मतलब शाम की वीडियो है। मैंने शाम को ये शाम से ही वीडियो बनाना शुरू किया था, लेकिन इसके आगे नहीं बना पाई क्योंकि पता नहीं क्यों मूड एकदम पता नहीं क्यों अपसेट हो गया। फिर इसकी वजह से मैं आगे ज़्यादा नहीं बना पाई। तो मैं यहाँ पर आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं दिन में कपड़े धोती हूँ और शाम टाइम फैलाती हूँ। धूप ज़्यादा होने के कारण मैं दिन में कपड़े नहीं डालती, अगर थोड़े से होते हैं तो मैं इनको नीचे डाल देती हूँ तो ये नीचे आराम से सूख जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर शाम के टाइम यानी कि 4:30 के समथिंग आकर मैं छत के ऊपर डाल देती हूँ और फिर इसके बाद मुझे खोलना होता है जाल, तो जाल खोल कर फिर मैं नीचे जाती हूँ। और ये गमला आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये गमला टूटा हुआ है। एक दिन एक इसके पहले की जो वीडियो गई थी तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मिट्टी उठाकर मैंने गमले में डाली थी, तो ये वही गमला मेरा जो है टूटा हुआ है। तो इसी में पानी डालो तो मिट्टी वगैरह निकल कर बाहर आ जाती है। तो इसी की मिट्टी उठाकर मैंने जिस गमले में मतलब गड्ढा सा था उसमें मैंने डाल दिया। तो ये तो एक दिन पहले की वीडियो है और ये आ गए हम नेक्स्ट डे। तो ये शाम की है, 6:30 पौने 7 बजे की है, 6:45 या 7 बजे की है समथिंग। तो यानी कि दिया वगैरह जलाने का टाइम था, तो मुझे आज लेने जाना था सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने कहा कि टाइम काफ़ी हो जाएगा, वैसे तो मैं नहीं जलाती हूँ, पतिदेव ये जलाते हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों मैं पूजा करती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी पूजा भगवान जी स्वीकार ही नहीं करते, या जो भी कुछ हो मेरे मन में कुछ ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं जब भी पूजा करती हूँ तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आरती जला दे रही हूँ और दूध निकाला है भगवान जी के अपने भोग के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। क्योंकि शाम में भी और सुबह में भी वो दूध का ही भोग लगाते हैं, और सुबह तो मिश्री वगैरह भी रख देते हैं लेकिन शाम को केवल दूध का ही भोग लगाते हैं। तो मैं यहाँ गई हूँ गिलास लेने के लिए ताकि दूध निकाल कर भगवान जी को भोग लगा दूँ और आरती जलाकर अपने दोनों कमरे में दिखा दूँगी। मैं पहले जब मेरे बाबू की तबीयत ख़राब थी तो उसके पहले मैं काफ़ी पूजा पाठ करती थी। पतिदेव मेरे इतने नहीं करते थे, हर व्रत करती थी, यानी कि नवरात का भी होता था, जितने व्रत वगैरह होते थे सब करती थी। लेकिन फिर उसके बाद से बाबू की मेरी तबीयत ख़राब हुई और बाबू तो मतलब मेरे ऐसे गिरे कि फिर वो संभलने का नाम ही नहीं लिए। बीच में थोड़ा संभले, ये हुआ कि हाँ अगर भगवान 7 दरवाजे बंद करता है तो 1 दरवाज़ा कहीं ना कहीं खोल देता है। कुछ उम्मीद की किरण मुझे नज़र आई कि हाँ अब बाबू मेरा ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर पता नहीं कैसे क्या अचानक हो गया, मुझे खुद भी नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद से बाबू मेरा गिरा तो फिर वो उठ ही नहीं पाए, वो हमेशा के लिए ही गिर गए। तो इसलिए मेरा पूजा पाठ में और ज़्यादा मन नहीं लगता है। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करती, मैं भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, हद से ज़्यादा विश्वास करती हूँ। लेकिन पूजा पाठ करने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता। और शाम की मैंने तुलसी जी में भी दीपक जला दिया है और यहाँ जो मैंने दूध का भोग लगाया था तो वो दूध भी मैंने उठाकर फ्रिज में रख दिया है ताकि मेरी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मची हुई है कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। मैं कुछ भी अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन अच्छे के बदले पता नहीं क्यों बुरा ही मिलता है मुझे। मैं कुछ भी अच्छा करना चाह रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। फिलहाल पतिदेव आ गए हैं, थोड़ा सा काम से गए हैं, थोड़ा सा बर्रा दो तक, तो आज दीपक मैंने ही जला दिया है। चलिए मिलती हूँ, वैसे सब्ज़ी वगैरह भी लेने जाना है मुझे, तो चलिए देखती हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो चाय हमारी बन चुकी है, तो 2 गिलास में निकाल रहे हैं, एक मैं एक मेरे पति दो, दोनों लोग पियेंगे। बाबू हमारा चाय वगैरह नहीं पीता है, अगर उसे कुछ खाना वगैरह होता है तो वो खा लेता है लेकिन चाय वगैरह नहीं पीता है। तो और यहाँ पर हम लोग निकल पड़े हैं सब्ज़ी लेने के लिए। और ये रही हमारी यहाँ की सब्ज़ी मंडी, आप लोग भी देख लीजिए, शायद मैंने दिखाया हो, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। काफ़ी बड़ी मंडी लगती है हमारे यहाँ, सब्ज़ी मंडी लगती है और पर डे लगती है। ऐसा नहीं कि वन डे लगती है या वीक में 2 बार लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पर डे वाली सब्ज़ी मंडी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ आम लिया और फिर इसके बाद सारी सब्ज़ियाँ ली। तो सब्ज़ियाँ लेकर आ गई मैं घर
और फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि सारी सब्जियों को निकाल कर मैं रख दूंगी बास्केट में, जिसमें से मैं लेकर आई थी बैंगन, लेकर आई थी कमल ककड़ी थी वो लेकर आई थी, धनिया है, टमाटर है, नींबू है और आलू है, प्याज है, आम है और कद्दू है। हाँ यही सारी सब्जियां मैं लेकर आई थी। तो इनको मैं सोच रही हूँ कि बास्केट में लगा के रख दूँ। थोड़ा सा खाना मेरा मॉर्निंग का रखा हुआ था और बाबू की भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बोल रहे थे कि चावल मम्मी नहीं खाएंगे क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। रात काफ़ी क्या हो गई थी, मतलब 9:30 बज रहा था। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है फिर मैगी खा लेते, तो बाबू मेरा मैगी लाया है, तो मैगी लाकर बनाया था। मैगी था और हाँ मैगी ही था, और मतलब कि चावल वगैरह जो रखा था तो वो सारा खाना रखा हुआ था। तो सब्जी रखने के बाद फिर मतलब हम लोगों ने खाना पीना खाया, लेकिन अभी क्या है, अभी तो मतलब जो सब्जियां हैं उनको निकाल कर मैं सब अलग अलग करके रख दूँ। मैं को हाँ कोरोना के टाइम पर मैं सारी सब्जी धोकर रखती थी, लेकिन अब मैं कोई भी सब्जी धोकर नहीं रखती हूँ। सारी सब्जियां ऐसी पॉलीथीन में अलग अलग बंधी होती है, तो ये पॉलीथीन उठाकर मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये अगर 1 वीक सब्जियां भी हमारी अगर धीरे धीरे भी करके बनाते हैं तो मेरी कोई भी सब्जी ख़राब नहीं होती है। और अगर मैं धो के रखूँगी तब भले ही मुझे लगता है धोकर सुखा कर अगर ऐसे ही रख दूँगी तो मुझे लगता है 1 वीक से 1 वीक में ही सब्जी हमारी ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारी सब्जियां हैं, ये हमारी सब्जियां आराम से खूब चल जाती, मेरी सब्जियां जो हैं ख़राब नहीं होती हैं। और इसी बास्केट में मैं सारी सब्जियों को लगा कर रख दूँगी। सारी सब्जियां रख दी हैं, बस आलू प्याज रह गया है जिनको मुझे अलग रखना है। आलू इधर डलिए में रखूंगी और प्याज भी डलिए में ही जाएगी। और यहाँ पर पतिदेव बोले कि मेरा मतलब न्यूज़ चैनल लगा दो फिर इसके बाद रखो, तो मैं वही कर रही थी, न्यूज़ चैनल ही लगा रही थी। आप लोगों ने देखा मेरा रिमोट चलवल नहीं रहा, रिमोट मेरा जो है ना वो ख़राब हो चुका है। तो जैसे तैसे कर कर हम माँ बेटा दोनों यूज़ कर लेते, लेकिन पिताजी इनके बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाते, तो उसी को मैं लगा रही थी। और ये जो रख रही हूँ मैं, ये आलू रख रही हूँ, और जो अंदर गई थी रखने तो मैं प्याज रखने गई थी, तो क्योंकि मशीन के बगल में जो डलिया रखी हुई है तो वहाँ पर मैं प्याज रख देती हूँ और तख्त के नीचे आलू रख देती हूँ ताकि हवा वगैरह लगती रहे। और आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।